नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जनता टीवी और रुख करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हुआ समापन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत, कहा पारदर्शिता उत्तराखंड का स्वभाव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू पर साइन, अभी क्षेत्रों में 27 से अधिक निवेदक, अनुकूल नीतियां लागू। देश को मिली 343 अफसरों की फौज, भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड, श्रीलंका के सीडीएस ने ली परेड की सलामी। हल्द्वानी में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस में लगी आग, बस में सवार 37 बच्चों को बाहर निकाला सकुशल। बागेश्वर में डसीला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हुई संपन्न, बागेश्वर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के स्कूलों के चुनिंदा छात्रों ने लिया भाग, शिक्षा अधिकारी भगवत सिंह रौतेला के दिशा निर्देश में रखी गई थी प्रतियोगिता। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन पुल का स्थानीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएम, सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, सोमवार से बदलेगा मौसम का मिजाज, फिलहाल मौसम सामान्य रहने की उम्मीद। रुड़की में गंग नहर से मिला बुजुर्ग का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रुड़की में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क लगाए गए कृत्रिम अंग, दिव्यांगों को मिली बड़ी राहत, आयोजन में अधिक से अधिक लोग हुए लाभान्वित। रामनगर में ग्रामीणों ने किया कॉर्बेट पार्क को बंद, हमलावर बाघ को पकड़े जाने की मांग को लेकर उठाया कदम, ग्रामीण और अधिकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में आयोजित दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का समापन हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वन एवं सहयोग क्षेत्र, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष और वेलनेस, सहकारिता एवं खाद्य प्रसंस्करण विषय पर 6 सत्र आयोजित किए गए। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब उत्तराखंड बनेगा, इसका विकास होगा और इसकी अलग पहचान बनेगी। ये इन्वेस्टर समिट दुनिया भर में ये एक मजबूत उदाहरण है कि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से समझौता किए बिना पर्यावरण अनुकूल तरीकों का पालन कर खुद को व्यापार से जोड़ सकता है। इस दौरान सीएम धामी ने अपना भी संबोधन दिया। मित्रों, आज का यह समारोह 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंडवासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है। और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास
आगे के भी प्रस्ताव हैं, जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। भाइयों बहनों, मैं इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे राज्य की पूरी टीम, हमारे मुख्य सचिव समेत सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। पूरी टीम ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों ने, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी देश भर के अंदर और दूसरे देशों में भी हमारे इन कार्यक्रमों को आयोजित करवाया और सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया। आज आशीष जी समेत जितने लोग यहाँ पर पधारे हैं, उन सबका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सम्मेलन सफल बनाने में हमें न केवल निवेशकों का साथ मिला, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस सम्मेलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सभी के विश्वास तथा उत्तराखंड के विकास के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए भी मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि सभी ने अपना, जिस रूप में भी जो सहयोग कर सकते थे, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ मौजूद रहे। अमित शाह और सीएम धामी ने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में भाग लिया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान बाबा रामदेव भी उनके साथ देखे जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान ऋषिकेश पहुंचे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन में हिस्सा लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह परमार्थ निकेतन में गंगा आरती के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी ने देश को 343 अफसरों की फौज भारत की सरहदों की रक्षा के लिए सौंप दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में आज पूरे जोश और उत्साह के साथ पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसके तहत 343 युवा अफसर भारतीय सैन्य एकेडमी से देश सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस पूरी परेड की समीक्षा श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शिवेंद्र सिल्वा ने की और परेड की सलामी ली। देखिए खास रिपोर्ट। भारत के लिए आज गौरव का क्षण है। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी ने देश को 343 अफसरों की फौज भारत की सरहदों की रक्षा के लिए सौंप दी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में आज पूरे जोश और उत्साह के साथ पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके तहत 343 युवा अफसर भारतीय सैन्य अकादमी से देश सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस पूरी परेड की समीक्षा श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने की और परेड की सलामी ली। साथ ही पासिंग आउट परेड में प्रशिक्षण के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले जीसी को अवार्ड भी दिया गया। देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी देश को इन जांबाजों के रूप में सुरक्षा बल प्रदान करती है। भारतीय सैन्य अकादमी से अब तक 65,234 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। रुड़की के रोटरी क्लब की ओर से दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए गए, जिससे बड़ी संख्या में गांव से दिव्यांग रुड़की पहुंचे। रोटरी क्लब रुड़की के अध्यक्ष रोटेरियन अशोक अरोड़ा ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रुड़की में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दिव्यांग लोगों के हाथ और पैर लगाने का कार्य किया जाएगा। वहीं कमेटी चेयरमैन रोटेरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि शिविर में 9, 10, 11 दिसंबर को प्रत्येक दिन 30-30 लोगों का टारगेट कृत्रिम अंग लगाने का रखा गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब
आज में है रोटरी क्लब रुड़की को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। हमारे सचिन गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक ऐसा कार्यक्रम रुड़की में हो रहा है जिसमें जो ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कई उन्हों के तो ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ दोनों पैर भी नहीं है, उन सबको एक सुदृढ़ बना रहे हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना रहे हैं। इससे एक ऐसा सवाल है, आपका कोई भी पढ़ा लिखा आदमी और आप जैसा काबिल आदमी आरिफ साहब ये पूछेगा, इसका क्या आपका ख्याल है? ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसकी के कोई बुराई ही नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर सेवा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रोटरी क्लब बहुत हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट नाम के लिए करते हैं, कोई दौड़ रहा है उसके साथ में अपना बैनर लगा दिया, कोई खाना बांट रहा है उसके साथ में अपना बैनर लगा दिया, या कोई चीज ली और बांट दी। ये चीज वो है जिसके लिए मेहनत करी है, लोगों को ढूंढ के लाए हैं, इस टीम को बुला के लाए जो आई है। हमारा रोटरी क्लब जो हमने प्रयास इसको दिया है, वो हमारा प्रयास से मतलब था कि हम आर्टिफिशियल लिंग लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसके लिए हमारे रोटरी क्लब रुड़की ने जो है आपस में बैठ के एक तय किया कि हमें इस तरह का एक प्रयास करना चाहिए जिससे हम विकलांगों की कुछ हेल्प कर सके जिनके हाथ पैर वगैरह नहीं है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब रुड़की द्वारा जो है कृत्रिम अंग लगाने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए हमने 3 महीने पहले आप ही पत्रकार भाइयों के द्वारा जो है लोगों को, जन जन लोगों को तक ये मैसेज पहुंचाया था कि जिनके अंग नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो हमसे संपर्क करें, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना शुल्क के निःशुल्क जो है उनके कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। और हमें आज हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए, रुड़की रोटरी क्लब द्वारा ये कार्यक्रम बड़े सफल आयोजन के तौर पर चल रहा है और आगे भी भविष्य में किए जाएंगे। उत्तरकाशी स्थित तिलोथ निर्माणाधीन पुल का स्थानीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए थे। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने निर्माणाधीन तिलोथ पुल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने की बात कही। स्कूली छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में सोमवार से मौसम बदलने के मिजाज के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते सोमवार शाम से मौसम में बदलाव आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। उत्तराखंड में शुक्रवार को सुबह से ही चटक धूप खिली रही। मैदानी क्षेत्र में शीतलहर से कंपकपी बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्र में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में सोमवार से मौसम बदलने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। फिलहाल मौसम सामान्य बना रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। जैसे जैसे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी है। साथ ही अयोध्या के बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी है। साथ ही अयोध्या के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है।
अयोध्या राम जन्मभूमि मार्ग पर ऐसे सैकड़ों दुकानें हैं जहां पीतल और अष्ट धातु से बनी मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें ज्यादातर भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्तियां बिक रही है। जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, वे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्तियों को खरीद रहे हैं। भक्तों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन्हीं मूर्तियों से रामलला की पूजा करेंगे। आज हम लोग अयोध्या आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, वैसे यूपी से, और देखिए ये भगवान रामचंद्र जी का बाल अवस्था है। तो जैसे सब लोग अपने घरों में पूजन करते हैं, उसी तरह से हमने भी ये भगवान की मूर्ति ली है। तो घर में जाके हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इसीलिए हम इनकी खरीदारी कर रहे हैं। खरीद कौन सकता है भगवान को, लेकिन फिर भी हम इनको लेके श्रद्धा से, भाव से इनको घर में ले जाएंगे और इनका पूजन करेंगे। कैसे लगी मूर्ति? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इनकी जो ये बाल अवस्था है, इनके लिए तो वैसे भी दुनिया मरी जा रही है। इतनी श्रद्धा है, भाव है, लोग इतने दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन्हीं के लिए आ रहे हैं, इन्हीं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से हम भी यहाँ पे आए हैं, वैसे कई बार आ गए हैं, तो हमको बहुत अच्छी लगी है, इसलिए हम इसको अपने इनको अपने घर में ले जाएंगे और इनकी प्राण प्रतिष्ठा लेके इनकी पूजा करेंगे। तो वही दुकानदारों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और रामलला की मूर्तियों का स्टॉक पहले से ही रख लिया है। दुकानदारों का कहना है कि जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, वे रामलला के बाल स्वरूप की मूर्तियों को ही खरीद रहे हैं, जिससे अयोध्या के मार्केट में पीतल और अष्ट धातु से बने इन मूर्तियों की डिमांड बढ़ रही है। आपको बता दें कि पूरे अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।